चलिए आप करते हैं शरद मल्होत्रा के साथ एक जायकेदार मुलाकात। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जायकेदार मुलाकात, क्योंकि इनकी ये मुलाकात देखकर आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा। यकीन नहीं आता तो आप खुद ही देख लीजिए। शरद मल्होत्रा, और मुझे यार ये सास बहु साजिश ना, आप लोग हमेशा मेरे साथ बहुत ही आड़े टेढ़े आप लोग खेल खेलते हैं मेरे साथ जो कोई नहीं खेलता मेरे साथ, वो आप लोग खेलते हैं, लेकिन मज़ा आता है क्योंकि अब परिवार है तो जाहिर सी बात है कुछ अलग तो होना चाहिए। तो देखिए, ये मेरे हाथ में जो है एक आई मास्क है और मेरी आँखें जो है बंद होने वाली हैं, मतलब मैं आई मास्क पहनने वाला हूँ। और कुछ बहुत ही अजीबोगरीब की अच्छी चीज़ें, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो लोग मेरे सामने खाने के जो पदार्थ हैं वो सामने रखेंगे, कुछ ईटेबल्स जिन्हें मैं खा के बताऊँगा कि वो क्या है। मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया लाइफ में, लेट मी टेल यू, पर्सनल लाइफ में एंड प्रोफेशनल लाइफ में पहली बार कर रहा हूँ कैमरे पे, सो आई होप इट्स फन। अरे ये तो बचपन से खा रहे हैं यार क्या बोलूँ उसके बारे में, मैं आपको जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक तू रहेगी मेरी शालू क्या बात है, यम मेरा फेवरेट है यार, थैंक यू यार। ये क्या है अब यार, ये क्या है यार, ये क्या है, आलू है, ये पाव का वड़ा है, आगे बताइए यार। इतने बड़े बड़े आप लोग अजीबोगरीब चीज़ें क्या लाए हैं यार, यार ये तो मतलब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा है। एक मिनट, खुलता है क्या? हाँ, ये तो बड़ा लग रहा है मुझे यार, बड़ा पाव है क्या? आपको खा के बताना पड़ेगा, ये भी खा के बताना पड़ेगा। ये समझ में नहीं आ रहा, ये क्या है? एक मिनट, ये बर्गर है क्या? यस। ओह ओके, अरे ये तो वो है यार, ये सब खा के हम लोग बड़े हुए हैं यार, ये वो मट्ठी है क्या है, चॉकलेट है क्या है, यम, दिस अ बिस्किट, इट्स दैट, वेट आई टेल यू, इट्स अ डार्क कुकीज़ और समथिंग, यस अमेजिंग, हो गया सारे कैसे सही थे, थैंक यू SBS यार, आप लोग सच में कमाल के हैं यार, मतलब ये मैं बहुत ही प्यार से नई विभा मैम के लिए देता हूँ, ये मैंने खाया है, अब मैं आपको खिलाने वाला जब भी आपको मिलूँगा, याद रखिएगा, वो भी आँखों में पट्टी बांध के। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया यार, आई थिंक इट्स बिन एन अमेजिंग सेगमेंट, आपने मेरी डाइट की बिल्कुल बैंड बजा दी है, बट आप जब खाई लिया तो चलता है ना, थोड़ा समोसा आया, मतलब आप नीयत ख़राब हो गई मेरी, बट थैंक यू एंड बहुत मजा आया। शरद मल्होत्रा के साथ ये खेल इसलिए खेला गया है क्योंकि एक तो शरद ने अपने करियर के 18 साल पूरे कर लिए हैं और SBS के साथ भी तो उनका नाता 18 साल का हो चुका है, तो 18वें साल की मस्ती तो बनती है। सास बहु साजिश, मतलब इफ आई में से बिल्कुल मतलब घर की तरह ही है, तो हमेशा सुख दुख में आप लोग साथ में रहे हैं, और अब ऐसा लगता है कि यार मतलब आप लोग मुझे इतनी अच्छी तरह जान चुके हैं, मैं आप लोगों को जान चुका हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है जो आप लोग नहीं जानते मेरे बारे में। हाँ, मतलब मेरी जो आगे की जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो मैं काम करने वाला हूँ, उसके बारे में जाहिर सी बात आप लोग नहीं जानते हैं, लेकिन चाहे वो विद्रोही हो, चाहे वो नागिन हो, चाहे वो कसम तेरे प्यार की हो, कोई भी शो, आई थिंक आप लोग ने इतना साथ दिया है, आप लोग हमेशा हर मोमेंट में आप लोग साथ में रहे हैं, चाहे वो गणेश की पूजा हो, गणेश जी की पूजा मेरे घर पर हो, या मेरा बर्थडे हो, या कुछ भी हो। मगर इस मस्ती की एक वजह और भी है, वो ये कि शरद ने एक फेस्टिवल फिल्म में भी काम किया है जो बहुत जल्द इंटरनेट की दुनिया पर नजर आएगी। मैंने हाल ही में एक फेस्टिवल फिल्म की है
उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी जो करंट टॉपिक जो है, जो अभी फिल्म जो आई है बहुत चर्चे में है, कश्मीर फाइल्स, ये जो मैंने फिल्म की, जो फेस्टिवल फिल्म, ये मैं तब की जब कश्मीर फाइल्स रिलीज़ भी नहीं हुई थी और लोगों ने सुना भी नहीं था उसके बारे में। तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ये कश्मीरी पंडित लड़के के बारे में है, लेकिन ये अभी की कहानी है, आज के दौर की कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कुछ 14-15 मिनट की है। और हमने श्रीनगर में शूट किया, एक्चुअल लोकेशंस में शूट किया हमने, मैंने उस घर में शूट किया जो कश्मीरी पंडित का घर था, कुछ 70-80 साल पुराना। तो मतलब मैं सच बताऊँ तो मेरी आँखें भर आई जब मैं उस घर में गया, हमने उस घर में शूट किया, क्योंकि उस घर में कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा एक हिस्ट्री साथ में जुड़ी हुई थी, उस घर में कोई नहीं रहता है। शरद ने अभी अभी एक सीरियल को पूरा किया है और अब उनके चाहने वाले उन्हें बहुत जल्द नए प्रोजेक्ट में, नए सीरीज या फिर नए सीरियल में देखेंगे। मुंबई से सुरभि रणसिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।